तो ये अच्छे से सूख चुका है, मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी देख लो एकदम, ये देखो अच्छे से ये धो के आ गई। ये सब हटा लेना है आपको। तो ये है मेरा रियल स्किन, यही है, आप ध्यान से देख लो। अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, बस अभी इधर उधर। बहुत इजी होगा आपके लिए, बहुत आसान होगा, बहुत सस्ता होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं कितना कह सकती हूँ, इसमें बहुत ज्यादा अच्छा है। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हो जब मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ कि दीदी आप इसका प्रोडक्ट आप यूज करते हो रियल में, मेरे को पता है क्योंकि आप बहुत टाइम से इसको शेयर कर रहे हो। तो हाँ, इसका प्रोडक्ट मुझे लगता है शादी से पहले से मैं शेयर कर रही हूँ, मतलब यूज कर रही हूँ, और इसका बहुत सारा मेरे घर में यूज होता है, जैसे इसका पैक आता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सबके साथ शेयर कर दूं। आप लोग थोड़े से कुछ लोग हिचकिचाते हो कि शायद इससे कोई स्किन खराब हो जाता है। नहीं, मैं इसका शॉप भी यूज करती हूँ कई बार, मतलब मैं फेस पे नहीं लगाती बट अपने बॉडी में लगाती हूँ। और इसका फेस पैक आता है, स्क्रब आता है, फेस वॉश आता है, सारा कुछ आता है। तो आप ट्राई जरूर करना, मैं एनी टाइम ट्राई करते रहती हूँ। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, आप लोग के बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं दीदी मैं महंगा प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर सकती। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि ये आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। और ये बहुत, जैसे लोकल प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट जो ले रहे हो ब्रांड वाला, अगर वो नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो आप पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। आपको मार्केट ट्रेंड से जो भी जैसे आता है उससे आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा और बहुत अच्छे में मिल जाएगा। ये रहा पतंजलि फेस पैक जो कि नीम वाला है। अगर आपके नीम प्लस कुकुम्बर, आपको गर्मियों में बहुत सारे पिंपल्स आते हैं, आपको स्किन पे थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा फील चाहिए, तो आपको ये बहुत अच्छा है। ये पतंजलि नीम एलोवेरा है ना, तो ये बहुत अच्छा है। आपको बस इसको क्या करना है, मैं किसी दिन वीडियो में भी शेयर की हूँ, तो अभी इसको आपको बस नॉर्मली इसको यूज करना है। आप अपने फेस पे पहले अच्छे से फेस वॉश कर लो, स्क्रब कर लो, उसके बाद इसको फेस पे अप्लाई कर लो, और जब एकदम सूख जाए उसके बाद वॉश कर लेना। रिजल्ट बहुत इंस्टेंट आता है। और ये मैं एक बार शेयर भी कर चुकी हूँ लॉन्ग वीडियो में, तो ये मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट किए हो कि दीदी मैं महंगा महंगा प्रोडक्ट नहीं ले सकती, तो मैं उनके लिए ये कह रही हूँ कि पतंजलि बहुत बेस्ट है। और इसको देखो मैंने अभी बहुत सारा यूज कर ली, देखो शुरू से इतना खाली हो चुका है, तो मैं यूज करती हूँ बीच बीच में। मैं जरूरी नहीं है कि आप सबके साथ शेयर करूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने हस्बैंड को भी लगा देती हूँ, मैं भी लगा लेती हूँ, तो बहुत बेस्ट है। इसको आपको, इसमें आपको पतंजलि में आपको हर एक चीज मिल जाएगा, खाने से लेके फेस पे लगाने तक। एलोवेरा जेल में इसमें पीला वाला भी लगाती हूँ जो कि केसर और हल्दी वाला है, उसको भी मैं कहीं रखती हूँ, बट मैं वीडियो में ये भी बहुत यूज करती हूँ, वो भी बहुत यूज करके दिखाती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, इसको भी आप देख सकते हो इतना बड़ा है, मैं कितना ज्यादा इसको यूज कर ली हूँ। और ये नॉर्मल मार्केट से, तो जैसे और भी कोई वाव का लोगे या कुछ भी लोगे तो बहुत महंगा आता है, बट ये 90 में इतना बड़ा आ जाता है। आप इसे अकेले लगा रहे हो तो इसको 3 महीने तो एटलीस्ट इसको यूज कर लोगे। तो ये देखो इतना है अभी, तो बहुत अच्छा है। मैं बस ये बता रही हूँ कि इस वीडियो में कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरे को रामदेव बाबा ने कोई गिफ्ट नहीं किया है, बट आप लोग के लिए बहुत बेस्ट है, आपकी स्किन के लिए। मेरी स्किन पे मैं कई बार बहुत ज्यादा इसको एलोवेरा जेल, तो मैं एनी टाइम लगाती हूँ, कई बार अब मेकअप में रिमूव करती हूँ तो इसी से लगा के रिमूव कर लेती हूँ और लास्ट में इसको लगा लेती हूँ। तो बहुत अच्छा है, आप अगर सस्ता प्रोडक्ट लेना चाहते हो और बहुत अच्छा भी होना चाहिए, ब्रांड भी होना चाहिए, तो ये ब्रांड ही है, सस्ता में बहुत अच्छा ब्रांड है, आप इसे ले सकते हो। और ये बहुत ओरिजिनल होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला होता है, जो होता है वही हो आता है। आप तो आप सब टीवी में भी ऐड देखे होंगे, पेपर में भी आता है, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग बिगिनर्स हो या आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हो दीदी मुझे शेयर करो, तो बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारा अलग अलग आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, स्क्रब, मुल्तानी मिट्टी, ऐसा नहीं है कि फेस पैक एक ही है मैंने दिखाया, नहीं, आप पतंजलि के स्टोर पे चले जाओ, बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा। मैं किसी दिन शेयर करूंगी, मैं जिस दिन जाती हूँ सामान लाने जरूर शेयर करूंगी। तो वहां से मैं ये लाई हूँ मुल्तानी मिट्टी, जो कि मैं शादी से पहले भी इसको यूज की हूँ मुल्तानी मिट्टी, और ये भी मैंने यूज किया है। तो ये देखो अभी मैं ये नया लाई हूँ, अभी एकदम नया है, और इसका भी प्राइस है आई थिंक 60 रुपीज। तो 60 रुपीज में अगर आप मार्केट से ले रहे हो तो नहीं मिलेगा, आप अगर मिक्स वाला मुल्तानी मिट्टी का पैक ले रहे हो तो नहीं मिलता है। आपको राई पाउडर मिल जाएगा,
बट ये नहीं मिलेगा और ब्रांड तो मिलेगा नहीं, 60 रुपीज में कोई ब्रांड नहीं मिलेगा, तो ये बहुत बेस्ट है, बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं अब लास्ट वीडियो में अभी लगा रही हूँ, बट आपको ये मेकअप रिमूव करके इसी वीडियो में आप सबके साथ शेयर भी करूंगी। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर पतंजलि का साबुन ले रहे हो तो उसमें मोंगरा जो आता है ना, इसमें मोंगरा वाला एक साबुन आता है, जैसे आप उसको आप अपने बाथरूम में रख रहे हो तो ऐसा स्मेल आएगा जैसे ना कि कुछ रूम फ्रेशनर डाले हो, या कह सकते हो कि रूम फ्रेशनर जैसा फील होता है। तो वो अभी मेरे बाथरूम में रखा हुआ है, उसकी स्मेल इतनी ज्यादा अच्छा है। एक तो आप साबुन का साबुन यूज कर लिए और उसमें स्मेल, जैसे बाथरूम में आप रखते हो ना फ्रेशनर गोली, उससे बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत स्मेल वाला आता है। तो आप जरूर ट्राई करना नहीं किए हो तो। और बहुत इसका साबुन का रेट भी आई थिंक 25 आता है, हाँ तो बहुत ज्यादा बेस्ट है ये। देखो यहाँ पे मैं एलोवेरा फ्रेश करके लाई हूँ, एक तो मैं मेरे बाथरूम में 2-3 अभी रखा हुआ है, बट एक अभी मैंने मोंगरा वाला खोला है, उसकी स्मेल वाओ, मतलब आप अगर एज रूम फ्रेशनर रख रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है। और ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मेरे को पतंजलि वाले बाबा ने नहीं दिया है, तो ऐसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसको भी अप्लाई करती हूँ। अगर आप नेचुरली यूज करना चाहते हो कि कोई केमिकल ना हो, तो ये बहुत अच्छा है और इसकी भी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझको ना इसका स्मेल बहुत अच्छा लगता है पतंजलि का, इसमें लेकिन उतना अच्छा नहीं है स्मेल, मतलब है ठीक ठाक है, बट उसमें बहुत ज्यादा है मोंगरा वाला साबुन। देखना यहाँ पे जैसे एक्वा फ्रेश लिखा हुआ है ना, तो उसमें मोंगरा यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे, तो आप वो ट्राई करो, बहुत ज्यादा स्मेल आएगा, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे पतंजलि का काजल है जो कि हर्बल, जो कि आज मैं उसको ही यूज की हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे यूज करके फिर इसमें रख दी हुई, तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। और ये रहा पतंजलि का काजल, जो कि आप आराम से, बहुत डार्क होता है ये, देखो एकदम डार्क होता है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छे खासे रेट में मिल जाता है पतंजलि का काजल। और ये भी नेचुरली होता है, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होता है पतंजलि का काजल में, नो स्मच नो स्मेल, मतलब एकदम अच्छा। एक अगर आप एकदम काजल एकदम नेचुरल लेना चाहते हो तो पतंजलि का काजल बेस्ट है। और आज मैं अभी लगाई हूँ और लगा के भी आप सबको दिखा रही हूँ, एकदम डार्क हो जाता है। आप लोग कहते हो ना सस्ता में डार्क कैसे करें, आई थिंक ये 60 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ये 30 का ही है ये देखो, तो ये 30 का काजल आपको मिल जा रहा है, वो भी इतना ज्यादा, तो आपको और इससे ज्यादा क्या चाहिए। मैं आपको डार्क कलर के लगा के दिखा रही हूँ, तो आप इसे जैसे भी डार्क कर सकते हो, हल्का कर सकते हो, आप पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, अगर आप नेचुरली काजल लगाना चाहते हो और आपके लोकल काजल 10 रुपीज या 20 वाला ले रहे हो, उससे ज्यादा ये वेस्ट है पतंजलि का काजल। और ये बहुत टाइम तक चल जाएगा, बहुत टाइम तक, और ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है। आप चाहो तो इसे बाई कर लेना, आप कोई भी लोकल शॉप पे आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। अब आती है मैं कोई अच्छे से अपने फेस पे लगा के आप सबको दिखाना, तो मैं तो फेस वॉश तो बहुत बार इसका फेस वॉश यूज कर चुकी हूँ, बट मैं आज फेस वॉश तो करके बैठी हूँ, नॉर्मल मेकअप लगाई हूँ, तो बस इसको ही रिमूव करूंगी और अच्छे से आपको लगा के दिखाऊंगी। ये रहा वाइट, तो आज मेरा जितना भी मेकअप था वो सब मैं दिखा दे रही हूँ, इतना ही था। ये रहा मैंने कॉम्पैक्ट लगाया था, उस पर ब्लश लगाया था, और ये रहा मेरा नेचुरल स्किन। तो आज मैं अभी लगाने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी लगाऊं या ये लगाऊं, ये लगाती हूँ, और ये बहुत आसानी से बहुत ठंडा फील होता है। तो मैं आप सबको बस ये बता रही हूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, बट ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। और आप लोग
तो ये बहुत अच्छा है, आप ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत आसानी से लग जाएगा आप इसका, क्योंकि आपका नेचुरल आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको मिले तो आप ये पतंजलि जरूर ट्राई करना और सबसे सस्ता मिल जाएगा आपको। तो मैं इसको लगा के थोड़ी देर सूखने दूंगी, ये बहुत सूख जाएगा, बहुत जल्द सूख जाता है, उसके बाद मैं वॉश करके आपको दिखाने वाली हूँ। और जिन जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा कि ये बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं इसका रिजल्ट भी सामने दिखाऊंगी। और मैं पर्सनली इसको बहुत ज्यादा दिन से यूज करती हूँ, मैं नॉर्मल भी यूज करते रहती थी, ऐसा नहीं है मैं आज वीडियो बना रही हूँ एक साल से, तो मैं एक साल पहले, बहुत साल पहले से भी मेरे फैमिली वाले यूज करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ये जब सूख जाए उसके बाद मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। ये देखो बहुत जल्द सूखना भी स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा अच्छे से सूख जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अच्छे से सूख चुका है, मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी देख लो एकदम ड्राई ड्राई हो गया है, तो इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिमूव कर सकते हो, देखो ऐसे रिमूव करोगे तो आपको दो फायदे हो जाएंगे, जैसे आपके फेस पे सूखा है तो आपके जितने भी बेबी ग्रोथ हेयर है, फेशियल हेयर है, वो बहुत अच्छे से ऐसे मसाज करोगे तो साथ के साथ वो भी निकलेगा। बट मैं जल्दी जल्दी मैं आपको धो के वॉश करके दिखाती हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो वैसे करना, मैं इसको अभी वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखो अच्छे से ये धो के आ गई, ये सब हटा लेना है आपको, इसके बाद आपकी स्किन एकदम मॉइस्चराइज, क्या बोलते हैं, एकदम क्लीन दिखेगा। ये देखो अभी मैंने कुछ नहीं लगाया है, लो सारा जितना भी है। तो ये है मेरा रियल स्किन, यही है, आप ध्यान से देख लो, अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, बस अभी इधर उधर लगा ही है इधर उधर। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप इसके पतंजलि का क्रीम भी आता है, आप वो लगा लेना, जो भी आप लगाते हो नॉर्मल मॉइस्चराइजर वो लगा सकते हो, तो बहुत अच्छा है। मैं बस आपको टेस्ट करने के लिए दिखाई हूँ कि ये बहुत अच्छा है, आप आसानी से लगा सकते हो, बहुत इजीली आपकी स्किन पे ग्लो दिखेगा एकदम से। ये देखो मैंने कुछ नहीं लगाया, अभी एकदम कुछ नहीं लगाया है मैंने, मैं लगाऊंगी पतंजलि एलोवेरा जेल और इसको लगा के बस छोड़ दूंगी, और आपका स्किन देखना इसको लगाने के बाद कितना अच्छा स्मूथ हो जाएगा। आप इसे एज अ प्राइमर भी लगा सकते हो, आपको बस एक मिनट के लिए आपको अपने फेस में मसाज करना है और आपके आईज में, आईब्रो के पास लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, एलोवेरा आपके आईज आईब्रो पर लगेगा तो आपके आईब्रो की कोई दिक्कत नहीं है, आपके आईब्रो की ग्रोथ। हाँ अभी एलोवेरा लगा लिया है, ये देखो थोड़ा सा लाइट लाइट सर एलोवेरा लगाने के बाद आपको दिख, एलोवेरा यहाँ पे लगा ली हुई एलोवेरा जेल पतंजलि का, और ये देखो इतना स्मूथ हो गया है ना। आपको अगर स्मूथ स्किन चाहिए, आपको सस्ता भी चाहिए और आपको ब्रांड भी चाहिए, तो बहुत अच्छा है पतंजलि वाला ब्रांड, आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। आप कोई भी स्किन हो आपके, ऑल टाइप स्किन, मतलब कैसा भी स्किन हो, ऑयली मतलब ड्राई, सारे स्किन के साथ चल जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है। अगर निखार आप चाहते हो और आपको ब्रांडेड चाहिए और आपको पैसे भी कम चाहिए तो आपके लिए बेस्ट है। तो ये मैंने लगा के दिखा दिया आपको, आप ट्रस्ट चाहते हो तो आप कोई भी लोकल शॉप से ले सकते हो, पतंजलि का स्टोर से ले सकते हो, बहुत इजीली मिल जाएगा और इसका रेट बहुत कम होता है बाकी से कंपेयर, बाकी सब और भी अदर ब्रांड से कंपेयर करो तो बहुत लो होता है, तो आप आराम से बाय कर सकते हो, बहुत इजी होगा आपके लिए, बहुत आसान होगा, बहुत सस्ता होगा, बहुत अच्छा होगा, मैं कितना कह सकती हूँ इसमें, बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी मैंने जब फेस मास्क लगाया उसके बाद एलोवेरा जेल लगा लिया, उसके बाद अभी कुछ नहीं लगाया है और स्किन देखो कितना ज्यादा अच्छा हो गया। तो अगर आप चाहते हो, और मैंने काजल भी लगाया था, तो इसमें ऑल आपको चीज मिल जाएगा, इसकी कुमकुम आती है, इसके क्रीम आते हैं, इसके लिप बम आते हैं, सारे कुछ आते हैं। तो अगर आप भी बाय करना चाहते हो और बहुत सस्ता चाहते हो तो आप जरूर बाय करना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा कि आपको ये कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल मिले हो तो प्लीज भर भर के कमेंट्स करना। बाय।